जी, एक तो वैसे ही यहाँ पे और टाइमिंग है, मतलब 4 बज रहे हैं सुबह के, और दूसरा ये लबुशेन और स्मिथ, खास करके स्मिथ ने तो पूरी कोशिश की कि भाईजान हम थोड़ा सो ही जाएं। तो 114 पे 2, स्मिथ 26 पे 2। पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन और शानदार लाइन और लेंथ से बॉलिंग कराई है, खास करके हसन अली और शाहीन ने। ज्यादा बॉलिंग उन्होंने की कराई है जैसे लंच के बाद बॉलिंग करने के लिए आए हैं। एंड हसन अली, ही हैज टेकन द विकेट ऑफ ख्वाजा। ख्वाजा भी आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी वैसे भी उसने बहुत अच्छे रन्स किए हुए हैं। पिछले साल भी 1000 से ज्यादा रन्स टेस्ट के किए थे, और इस साल भी वो 1200-1300 रन्स कर चुका है टेस्ट में, 60+ की एवरेज से। उसके विकेट काफी कीमती और बड़ी विकेट थी, वो लिया हसन अली ने, और ओवरऑल अच्छा एक दबाव बना के रखा हुआ था। लाइट काफी कम होती जा रही थी और बॉलिंग भी अच्छी लाइन और लेंथ से, तो इट वाज नॉट इजी टू बैट। तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप को थोड़ा लकी ही समझे, बाकी ये उनकी कॉशियस अप्रोच थी बहुत ज्यादा। उन्होंने 5-6-7 ओवरों में 3-4 रन्स किए, लेकिन मैटर ये करता था कि विकेट भी एक आधा कोई और निकाल लेता पाकिस्तान। ऐसी कंडीशंस शायद कि अब इनको मिले या ना मिले, ओवरकास्ट कंडीशन, गेंद भी अच्छा, मतलब हेल्प मिल रही थी पिच में से भी, और उसको कैपिटलाइज जिस तरह से ये कर सकते थे, मजीद थोड़ा इन रोड्स बना सकते थे, तो वो वाला चांस तो खत्म हो गया है। अभी बारिश की वजह से अर्ली टी भी ले ली है, और जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कोई बहुत खुशगवार नहीं है, और देर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद के दैट्स इट फॉर द डे। सो पाकिस्तान डिड वेल, बट मोहसिन साहब, एटलीस्ट वन मोर विकेट वुड हैव बीन यू नो द ग्रेट ग्रेट थिंग फॉर पाकिस्तान दिस सेशन। दे डिड वेल ओवरऑल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार रिजवान साहब। अगर 24 रन 15.23 ओवरों में बने, 15.5 ओवरों में चले, तो यू विल टेक इट। प्रेशर बना हुआ था, मौसम पूरा पूरा हेल्प कर रहा था। अगर यही काम आपके ये अनमोल रतन जो हैं, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी साहब, क्योंकि देखिए हसन अली वाज फिनोमिनल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, ही kept a line and length and he kept on bowling there. He had a area, he had a thing in mind. वो ना इधर हुआ ना उधर हुआ, वहीं कराता और वहीं पे उसको वो, it was nothing kind of a shot. मतलब है laziness, या कह ले प्रेशर जो बिल्डअप हो रहा था डॉट्स का, मेडन्स का, उसने कमाल दिखाया। अदरवाइज कोई बॉल नहीं थी विकेट टेकिंग बॉल। ये देखिए ये प्रेशर होता है। 26 बॉलों में स्मिथ 2 पे खेल रहा है, यानी वो ऑस्ट्रेलिया जो 3.5-4.5 के रन रेट से खेलने की आदी है अपने घर, अगर आपने उसे 42 ओवरों में 114 पे रोका हुआ है, तो इट मी, और इतनी गंदी बॉलिंग भी की। आप पहला 2 घंटे सिवाय हसन अली टू सम एक्सटेंट 2 ओवर किए थे, आगा सर 2 भी नहीं, 7 बॉलें की थी। हमजा बिल्कुल फारग था, और आमिर जमाल को तो समझ ही नहीं आ रही थी। शाहीन शाह एक बॉल ऑफ पे, एक बॉल लेग पे, ये ऐसे बॉलिंग नहीं होती। अभी देखिए आपने प्रेशर बनाया हुआ था, अभी ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह आपकी ग्रिप में था, पूरी तरह आपके शिकंजे में है। अभी जैसे ही वापस आएंगे, देखिए मौसम कम से कम आधा पौना घंटा बॉलर्स को हेल्प करेगा एटलीस्ट। और लकीली इनमें से एक भी आउट हो गया, चाहे वो स्मिथ है या लेबुशेन है, तो आ जाएंगे हेड और मार्श जो खेलेंगे तेज। तो यानी आपके पास बहुत बड़ा चांस है रिजवान हैदर कि आप इनको गर्दन से पकड़ लें। ये बड़ा बहुत बड़ा चांस है। और देखें यही बॉलिंग की जरूरत थी। अभी शाहीन ने सबसे ज्यादा 14-15 ओवर किए हैं 42 में से, 10 ओवर जो है ये कर गया, क्या कहते हैं, मीर हमजा भी इसी तरह, हसन अली ने भी 10 ओवर में खेल किए, इसका 8वां ओवर मीर हमजा का, कोई इतने ही ओवर, 6-7 ओवर, 8 ओवर मीर आमिर जमाल ने, और 2 ओवर जो है आगा सलमान ने। अब आप सोचिए अगर आपने यहाँ पे वसीम जूनियर को इंस्टेड ऑफ मीर हमजा डाला होता, तो आप सोचे हसन अली जिस तरह नचार है,
वसीम जूनियर की बॉल तो आपको पता है गज गज स्विंग होती है, और ये इस वक्त आइडियल वेदर था कि वसीम जूनियर जैसा बॉलर होता। एनीवेज अब आप चार बॉलरों से हैं, योर बेस्ट बैट इज के बारिश तो भी तेज है, अभी तो मुश्किल है कि फौरन मैच शुरू हो जाए। योर बैट बेस्ट बैट यही है कि आप एरियाज पकड़े, एक जगह बॉल करेंगे फ्रस्ट्रेट होंगे, जब रन नहीं आएंगे दे विल ट्राई टू डू समथिंग सिली, समथिंग स्टूपिड, समथिंग न्यू एंड इट विल ब्रिंग देयर डिमाइस। तो भाई जान लाइन पकड़े, लाइन बहुत अच्छा। अभी तक तो आपने ये वाला सेशन तो आपने जो भी आधा घंटा पौना घंटा घंटा हुआ आपने उन्हें गर्दन से दबोचे रखा, हिलने ही नहीं दिया। 15 ओवरों में या 15.5 ओवरों में आप 24 रन, और उस्मान खाजा जैसी जो कि एक चिपकू है, एक बाम है, जहां लगा दे वो वहां से फेबिकॉल की तरह चिपका रहता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया मैच में। अब सिर्फ जरूरत इस बात की है कि चाहे शाहीन हो, चाहे आमिर जमाल हो, चाहे मीर हमजा हो, बॉलर देखिए आप कह रहे हैं चार से, तो मैं फिर कहूंगा मीर हमजा शाहीन, अगर शाहीन ठीक होता, उसकी वो 140 वाली स्पीड होती तो शाहीन वॉज टू गुड, वी डोंट नीड मीर हमजा। लेकिन आपने दोनों बॉलर सेम स्टाइल, सेम स्पीड, सेम टेक्निक वाले खिला दिए हैं, अब अल्लाह आप पे रहम करे के चार पर देखे। ये वाला जो टाइम है ये बड़ा क्रूशियल है, जो ही मैच अगर लेग स्पोर्ट शुरू होता है, और अगर आप स्मिथ और लेबुशैन को इतने प्रेशर के बाद ना आउट कर सके तो रिजवान है, टाइम तो उनके पास बहुत है, अगर वो 3 दिन भी खेले दे हैव कंप्लीट कैपेबिलिटी, कंप्लीट बिलीफ कि वो हमें दो रवा आउट कर दे 2 दिनों में। तैयबा इनाम सब पूछ रही है कि साहिबा पूछ रही है कि बारिश कब रुकेगी। देखें बारिश का तो अब एक मिनट पूछता हूँ जी, कब रुकेगी सर? अब बारिश का तो देखिए कुछ हतमी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है, वो जो रिपोर्ट्स हैं वो अच्छी नहीं है, और शायद के मुश्किल ही हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जितना आज के दिन का हमने खेल देखना था वो देख लिया, और ग्राउंड भी ऑलमोस्ट 61,000 लोग आ चुके थे और तादाद बढ़ती जा रही थी, फिर अब चूंकि बीच में बारिश आई है तो वो ग्राउंड भी ऑलमोस्ट खाली हो गया, लोग भी नीवे नीवे होकर निकल गए। तो अब इसका क्या कहा जाए कि बारिश कब रुकेगी, लेट्स सी, उम्मीद ही है कि रुक जाए, और इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे और हम भी मैच देखना चाहते हैं, तो अब देखो, लेकिन उम्मीद में है हम, अब लेट्स सी रुकती है कि नहीं रुकती। लक्षाय शर्मा कह जनाब रिजवान मोहसिन भाई, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करता तो क्या लगता है आपको, खास करके ऐसी कंडीशन में क्या पाकिस्तान सर्वाइव कर पाता? इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, एंड पाकिस्तान आधी टीम तो अपनी खो चुका होता अगर ये 40-45 ओवर जो जितना कोई खेल हुआ है उतना, इस तरह की कंडीशन में इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव। तो आई एडमिट कि आधी टीम तो हमारी शायद लुढ़क ही जाती, लेकिन अब खैर एक चीज जो हमें पता है पाकिस्तान की बैटिंग इतनी मजबूत नहीं है, बॉलिंग भी नहीं है, तो अब अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि हम कहते जी 100 पे पूरी टीम आउट हो जाती तो आपका जो दिल है आप वो कह लें, लेकिन ये है कि 4-5 तो लुढ़क ही जाते हैं हमारे। अब खैर जो बात हुई नहीं, अब उस पर वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है कि पाकिस्तान बैटिंग करता तो क्या होता, क्या होता तो अगर मगर नहीं होता, जो अब हो रहा है उस पर बात करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी कॉशियस अप्रोच से खेला है और सर्वाइवल ही बोर्ड में थे कि ऑफ साइड के बाहर बस गेंद जाने दें जाने दें जाने दें। 26 गेंदों पे 2 स्मिथ, तो उसकी विकेट ज़रूरी थी, रन्स तो देखें ठीक ही हैं। 5 दिन के टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की जिस तरह की टीम है, अगर 1-2 सेशन ना भी खेल हो या वो, तो फिर भी कुछ इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। 15 सेशन में पाकिस्तान बहुत मुश्किल से पहुंचता है 15वें सेशन तक, तो उनको कोई मसला नहीं है अगर वो मजीद भी थोड़ा और भी सुस्ती से खेल लें तो। कोई दे हैव द प्लेयर्स लाइक मिच मार्श हु कैन प्ले 70-80 स्ट्राइक रेट हेड, वो भी उसी तरह का, तो वो वाला तो है ही नहीं प्रॉब्लम उनको। विकेट बचाना जरूरी था, पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की है,
नो डाउट अबाउट इट, बट द पॉइंट इज ऑस्ट्रेलिया दे डिड नॉट लूज एनी फर्दर विकेट. हालांकि जिस तरह की कंडीशंस हो गई थी, जिस तरह का प्रेशर था, एक विकेट और पाकिस्तान ले लेता तो बहुत अच्छी और बेहतरीन बात होती, बट दे बॉल वेल. अच्छा लगा देख के कि चलो लाइन और लेंथ थोड़ी एक अच्छी पकड़ी है, कुछ ना कुछ बेहतरी, मतलब देख के अच्छा लगा. यूजली ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया में खेले या बॉलिंग करे खास करके. हसन अहमद कह रहे हैं, कमेंटेटर मेड एन इम्पोर्टेंट नोट, ही सेड इन 2021 शाहीन वाज बॉलिंग विद बोथ आर्म एंड हिज बॉडी, नाउ हिज बॉलिंग ओनली विद हिज आर्म, दस हिज पेस इज डाउन. देखें जो कमेंटेटर्स, आई डोंट नो किसने कमेंटेटर ने ये कमेंट पास किया है, तो फास्ट बॉलर जो कि अगर है वो, या कोई आई डोंट नो नाम नहीं पता अब जिसने किया, क्योंकि आपने लिखा नहीं है, मैंने ये सुनी नहीं है ये बात, दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू टेल. अगर एक फास्ट बॉलर पूरी जिंदगी फास्ट बॉलिंग करता रहा तो वो सारी उसकी डिटेल उसको पता है, तो अपने तजुर्बे से उसने बताई है. लेकिन वजह जो भी है, जो रिजल्ट है वो हमारे सामने ही है कि वो वाला पेस नहीं है. अभी इस वाले स्पेल में जरा थोड़ा जोर लगाया उसने, 135 को कंसिस्टेंट बेसिस पे बॉलिंग की है, लेकिन 135 आठ ओवरों में 32-33 दिया, हाँ. इन 7 ओवरों में 7 दिया, तो रिजल्ट भी आया. हाँ, तो बॉडी और आर्म या मूवमेंट या व्हाटएवर यू से इट, बट द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस. ही इज नॉट लुकिंग effective the way he used to be, or it's a major cause of concern. और उसके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि हमें वो 142-145 की स्पीड वाला शाहीन शाह अफरीदी वेरी इफेक्टिव वो वापस आए, तो उसके लिए इसने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, ये रेस्ट ही नहीं लेता था. जब से इसका डेब्यू हुआ है, आप स्टैट्स उठा के देख लें, इसने इससे ज़्यादा किसी और बॉलर ने बॉलिंग नहीं की फास्ट बॉलर ने, और ये आधे से भी ज्यादा, मतलब कोई इसके आधे में भी नहीं. तो एट द एंड ऑफ द डे इंसान जो है वो हड्डियों का, गोश्त का जिस्म बना हुआ है, तो ये कोई मशीन भी थक जाती है तो फिर भी इंसान है, तो ध्यान करना पड़ता है. और इसने एहतियात नहीं की, खेल खेल के खेल खेल के अब मीडियम फास्ट बॉलर से मीडियम पेसर बन गया है. तो अब कुछ करे, अच्छा है पाकिस्तान के लिए भी और इसके लिए भी. इफेक्टिव तो जाहिर है कि अच्छा बॉलर तो है, नो डाउट अबाउट इट. जी मोहसिन अली साहब, सेशन पूरा नहीं हुआ, तो अब आधा ही सेशन हुआ है. अब आधे सेशन में आप कह लें कि पाकिस्तान जरा चढ़ के खेला है, तो ओवरऑल अगर यहीं पर दिन खत्म हो जाता है या आगे और क्रिकेट नहीं होती, तो कैसे कंक्लूड करेंगे? स्पॉयलर्स दोनों ने फिर आप यही कहेंगे कि पहला सेशन अगर उनके नाम रहा तो दूसरा सेशन आपके नाम रहा, तो इवन स्लीवन सा फिर काम हो गया ना, कि ऑनर्स आर शेयर्ड बिटवीन बोथ द टीम्स, बिकॉज पहला सेशन वो आखिरी या पहली बॉल 27 ओवर और पहली बॉल वो डिफरेंस था, वरना सेशन तो कंप्लीटली आज का दिन जो था अभी तक का वो ऑस्ट्रेलिया के नाम होता, लेकिन पाकिस्तान ने जो 15.34 ओवर किए हैं आके, उसमें सिर्फ 24 रन दिए और उस्मान खाजा की विकेट ली है, तो ये सेशन एज फॉर नाउ तो पाकिस्तान के नाम है. आई विल से इवन स्लीवन है, पहला सेशन उनके नाम, दूसरा आता है या जितना भी है पाकिस्तान के नाम, तो मेरा ख्याल है इट विल बी पाकिस्तान हु विल बी मोर हैप्पियर देन ऑस्ट्रेलिया हु आर फ्लाइंग हाई. 90 पे कोई आउट नहीं, अब 114 पे 2 आउट है. और जो ये पीटीवी नहीं दिखा रहा, वो बैटिंग फर्म्स वहां पे लगे हुए हैं उनके बैनर वैनर, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्लियर इंडिकेशन है कि आप किसी भी बैटिंग बेवकूफ है. ओ भाई मेरे, बैटिंग वालों को ना लो, मैच तो कौम को दिखाओ. इतना बड़ा बॉक्सिंग डे टेस्ट हो रहा है और हमारे यहाँ पीटीवी पे, और बात आप वाली है कि गांव ये तो तकरीबन 160-170 शहरों में, 130-140 मुल्कों में जाता है, टेरिटोरियल है, और पूरे पाकिस्तान में बगैर एंटीने के पीटीवी आता है, तो ये बेवकूफ है. असल में अक्ल नहीं है ना, अक्ल की कमी है.
तो अकल की जब कमी होती है तो फिर ऐसा ही होता है। और आशा भोगले साहब, मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि अगर इन कंडीशन में मोहम्मद अब्बास होता तो सोचे वो कैसे डांस करवाता इन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को। अकुंतल नाम से आप मैं स्पैम कर रहे हैं, और नाम तो यार चलो अपने से आओ ना, ऐसा तासुर तो ना दो कि आप मतलब इंडिया से मैसेज कर रहे हो, कह रहे हो कि जी हाँ भाई रिजवान लाहौरी है, अब बताओ रिजवान ने क्या कीपिंग की है, सरफराज के खिलाफ बोलते थे। ओ भाई रिजवान की कीपिंग बहुत बेहतर है, ये सरफराज कमर पकड़ के अब तक बाहर जा चुका होता, ये बाम लगवा रहा होता अपनी कमर पे नाजुक सी पे। खुदा के बंदे मैं तो जरा, तुमने स्कोर बोर्ड देखा, तुमने मैच नहीं देखा, 4 बजे उठने के लिए अपने अंदर की नफरत और कराची और तासुब की ऐनक उतारनी पड़ती। रिजवान का कोई कसूर नहीं, जरा देख लेना, तुम्हारे अब्बू जान जो है ना रूहानी, वो कमर पकड़ के बैठ चुके होते हैं 38 साल की, वो कमरिया में लचक नहीं होती उनकी। अच्छा पहली बात तो ये है कि मेरा ताल्लुक लाहौर से नहीं है, और आपको मेरी उर्दू एक्सेंट से तो ये अंदाजा हो ही जाना चाहिए था लाहौर वो तो रे और रे का फर्क ही नहीं पता उनको, वो लाहौड़ लाहौड़ करते रहते हैं। तो आपका अगर ताल्लुक कराची से है तो मेरी तो उर्दू काफी शुस्ता है, मालूम नहीं पड़ता कि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, जब तक कि मैं पंजाबी बोलूं मत, जब पंजाबी बोलता हूं तो फिर लोगों को पता चलता है कि जी मेरा ताल्लुक पंजाब से है। आई वेंट टू अफगानिस्तान सो एवरीबॉडी वॉज थिंकिंग दैट आई एम अ पठान, पश्तो में बात करते थे, तो खैर जब मैं उर्दू भी बोलता हूँ तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि मेरा ताल्लुक पंजाब से है। और लाहौर वालों का तो बेड़ा ही गर्क हुआ हुआ है, मेरा ताल्लुक वैसे सियालकोट से रहा नहीं मैं ज्यादा उधर, तो लाहौर वालों का तो जी बहुत ही बुरा हाल है, वो तो रे और रे का उनको फर्क ही नहीं पता, वो तो अड़े अड़े करते रहते हैं। तो जो रिजवान भाई को आपको जो तकलीफ हो रही है, तो रिजवान भाई अब क्या करे कि गेंद ही अगर उसके ऊपर से जा रहा है। नहीं तो रिजवान भाई भी पंजाब का नहीं है ना, रिजवान भाई भी तो केपी का है, तो पंजाब भाई का जेब में भाई लफाफा नहीं ना आया, ना पीछे 4 डड्डू खड़े करके तस्वीरें बनवाई रिजवान साहब ने, रोटी खाते हुए और भीख भिक्षा लेते हुए, ये भी तो फर्क है ना, रिजवान भाई के सियालकोट का भी नहीं है, बोलो उधर उधर बॉर्डर के लगता इसलिए। और बात सही है, वो तो पंजाब का हैप्पी नहीं। एनीवेज बॉल जो है वो उसके पूरा जंप मारने के बाद भी अगर ऊपर से जा रही है तो फिर वो सीढ़ी तो नहीं ला के रख सकता ना कि सीढ़ी पे चढ़ के खड़ा हो जाए कि ऊपर गेंद आएगी, या जो पीछे से गेंद भी गई है जो वाइड के भी पीछे चौके हुए हैं तो वो भी 5-5 गज दूर जा गेंद गई है तो वो कैसे पकड़े। हाँ कोई कैच कोई स्टंप वो कोई मिस करेगा तो हम उसी तरह क्रिटिकल होंगे कि जैसे हम अक्सर हुआ करते हैं, साढ़े केड़े वो मामे का पुत्र है, मामे का पुत्र होता भी तो असं फिर भी कह देना सी। अफसोस यही है ना कि हम बात करते हैं असूल पे, हम बात करते हैं पाकिस्तान की, अभी देखे नवीनुल्लाह फजले फारूकी और इसको मुजीबुर रहमान को 2 साल के लिए एनओसी बैन कर दिया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि दे टर्न देयर बैक्स ऑन नेशनल टीम। तो ये होती है समीर भाई पनिशमेंट और ये होता है स्टैंस, ये हमारे बोर्डों में हिम्मत नहीं है। एक नंबर टू देखे, हमेशा बात करनी चाहिए मुल्क की, पाकिस्तान के झंडे के साथ ये खेलने जाते हैं, ये महाजिर कौमी मूवमेंट का झंडा नहीं लेके जाते, ना ये पंजाबिस्तान का झंडा होता है, ना बलोचिस्तान का, ना पख्तूनिस्तान का, तो खुदा के लिए सारे अपने ही बच्चे हैं, सरफराज भी बाहर का नहीं है, लेकिन ये एक रियलिटी है, जब एज जो होती है वो आपको, सरफराज तो हिल भी ना पाता, रिजवान ने तो कोशिश तो की ना। अच्छा जी बारिश की अपडेट ये है कि कुछ खास अच्छी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, नॉट मच इम्प्रूवमेंट, और बारिश हो ही जा रही है और वेटिंग गेम जो है वो ही जा रही हो सारी है।
लक्ष्य शर्मा सब कह रहे हैं जनाब बुमराह भी बहुत इंजरी प्रोन है लेकिन बीसीसीआई ने उसको अच्छा मैनेज करके रखा है, अभी भी उसका 140 प्लस का पेस है, पीसीबी ने ध्यान नहीं दिया जी शाहीन पे। बात आपकी ठीक है, हालांकि इतने छोटे रनअप से आता है बुमराह और आके कंसिस्टेंट है, अच्छी स्पीड से बॉलिंग करता है। अभी एक साल के बाद आया वो इंजरी के बाद, तो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देख लें आप उसकी। अभी मैच आज ही शुरू होगा, उधर भी कह रहे हैं बारिश बुरिश होगी, बारिश ने एक तो मैच ही कम इतना इंतजार होता है और बारिश आके पूरा मजा किरकिरा कर देती है। तो बुमराह बॉलिंग करेगा, आई होप कि अच्छी बॉलिंग करे। तो इसमें दोनों का कसूर है, शाहीन का भी और साथ में इसका भी पीसीबी का, पीसीबी का ज्यादा है, लेकिन पीसीबी में किससे पूछे यार, 6 महीने बाद तो बंदे चेंज हो जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, ये टीनेजर था जब नया नया आया, तो इसको इंसान में जोश जज्बा होता है, वो कहता जी मैं ऐसे ही रहूंगा थ्रू आउट द पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं रहती, तो ही शुड हैव बीन वेरी कॉशियस। अभी चलो अभी भी थोड़ा ध्यान करे, अपनी फिटनेस पे काम करे, क्रिकेट सिलेक्टेड क्रिकेट खेले, जो अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट है उस पर ज़रा ध्यान दे, और हर टीम के खिलाफ मत खेले, हल्की टीमों के खिलाफ खेलने की जरूरत नहीं है, तो फिर जाके जरा बेहतर हो जाएगा सिलसिला। बाकी जो मोहसिन भाई ने बताया कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क नहीं मैच दिखा रहा, तो वो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी है, वरना पूरे पाकिस्तान में यही चल रहा था। पीटीवी भी बीच में ये जो बैटिंग साइट्स है इनके एड्स चलाता था, 1x बैट हो गया, ये बाजी या बाजी स्पोर्ट्स जो है और भी बेशुमार है, तो उन्हीं के एड्स और उनसे ठीक ठाक पैसे लेते थे। तो अब जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने पाबंदी लगा दी, उसने बोला कि ये आप नहीं दिखा सकते, वो वाले एड्स भी नहीं चल रहे अब टीवी पे भी ड्यूरिंग द मैच। और बीच में अब सूरत हाल ये है कि जो वहां से लाइव इमेजेस आ रही हैं, अब जाहिर है पाकिस्तान का अपना तो ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने टीम भेजी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाली दिखा रहे हैं वहां से, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ले के आगे अपने टीवी पे दिखा दी है। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों से रिक्वेस्ट की है कि आप बीच में ये जो बैटिंग की 1x बैट भी है और एक तो और भी जो है, वो ग्राउंड में तो उन्होंने पेंट नहीं किया हुआ, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, जब वो टीवी पे दिखाते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसे बॉलर रनिंग करके आ रहा है, तो आपने देखा होगा कुछ एड्स चल किसी भी कंपनी के जो भी हैं, वो एडवर्टाइजमेंट ऐसे लगता है कि जमीन पे लिखा हुआ, तो आजकल जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो वहीं से वो डाल देते हैं। तो ग्राउंड में आप लाइव इमेजेस देखें तो घास पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन टीवी पे आपको नजर आ रहा होता है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि नहीं जी हम तो देंगे तो आपको ऐसे ही इसके साथ ही देंगे, क्योंकि हमारी डील हुई हुई है उनके साथ, जो भी बैटिंग कंपनियों ने उनके साथ डील की हुई है 1x बैट वगैरह, पहले मैच में आप देखें, तो अब वो मसला खड़ा हुआ हुआ है, इसलिए पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क जो है वो मैच ही नहीं दिखा पा रहा, और अब इसका कोई हल इनको ऐसे निकालना चाहिए था। बेतहाशा क्रिकेट फैंस हैं, उनको इन्होंने महरूम रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान में और एंटरटेनमेंट के लिए है ही क्या, या ईद शबरात पे कुछ ऐसा मौका होता है तो पार्कों में लोग भर भर के चले जाते हैं, पार्क पार्क पार्क, और कुछ भी नहीं, कोई एंटरटेनमेंट का कुछ है ही नहीं जरा। तो इनको चाहिए कि लोगों को जो क्रिकेट देखना चाहते हैं कोई हल निकालें और उनको ये मैच दिखाएं, ये अच्छी बात नहीं है कि जो इन्होंने ये काम किया। बाकी जी अब इसमें तो वेटिंग गेम ही है, सेंचुरियन में कल से बारिश नहीं हो रही, क्लाउडी होगा, बारिश कोई नहीं है, पहला सेशन जो है उम्मीद है ठीक ठाक तरीके से हो जाएगा। इंडिया साउथ अफ्रीका का टॉस बड़ा बड़ा क्रूशियल होगा, इंडिया वाले मैच में भी बहुत क्रूशियल, सबसे तेज बॉल 142 की आमिर जमाल, 139 की हसन अली, 133 की शाहिनशाह अफरीदी और 132 की मीर हमजा साहब ने डाली अभी तक। एसएस एकेडमी कह रहे हैं जी इमेजिन नसीम शाह इन दीस कंडीशन, देखें अच्छा बॉलर है, डेब्यू उसका इधर ही हुआ था, अब ज्यादा मैच्योर बॉलर है, लेकिन बात यही है ना कि अब अपनी अपने फिटनेस पे देखना होता है ना, काम करना होता है, तो फिट होके आए और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं।
अब सचिन तेंदुलकर क्यों इतनी रिस्पेक्ट है? 200 टेस्ट मैचेस, वो 100 मैच खेल के रिटायर हो जाते, कहते जी फिर आपके कहते जी इतना खेल जाता तो ऐसा होता वैसा होता, तो अपने आप को 200 टेस्ट मैचेस तक बंदे ने फिटनेस लेवल भी तो मेंटेन करके रखा कि नहीं, जो 24 साल खेल गया क्रिकेट, तो इसका क्रेडिट कौन देगा? इसका क्रेडिट देना होता ना, इतने लंबे अरसे तक अपने आप को फिट करके रखना, खेलना हमें सारा। लुक एट दिस गाय, लाइक ब्रॉड तो चलो रिटायर हो गया, एंडरसन अभी भी इंडिया जा रहा है, तो अब उसे पता है, उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मेट वो छोड़ दिए वाइट बॉल के टेस्ट में ही, कि यार चलो अगर मैंने प्रोलॉन्ग करना है अपने करियर को, सिलेक्टिव क्रिकेट खेलूं, तो ये काम करने होते ना साथ साथ। एनीवेज जी, इस मैच में अच्छी सूरत हाल थी, मजेदार मजा आ रहा था मैच देख के, लेकिन बारिश आ गई बीच में और मजा जो है वो किरकिरा हो गया। अब देखते हैं कि इसमें बाकी आज मैच होता है कि नहीं, लेकिन वी आर लकी बिकॉज वी हैव अनदर मैच इन ओवर हैंड, एंड दैट मैच वुड बी वेरी एक्साइटिंग। टू टॉप टीम्स वुड बी कंटेस्टिंग अगेंस्ट ईच अदर, एंड इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन अ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच एट सेंचुरियन। होपफुली वहाँ पे कोई ऐसी कोई मसला मसाइल ना आए बारिश वगैरह का और मैच हो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का एक अपना मजा है, एक इसका अपना नशा है, और जब दो अच्छी तगड़ी टीमें आपस में खेलेंगी तो और भी मजा आएगा। तो अभी आपसे फिर इजाजत ही चाहते हैं हम, और इंशाल्लाह फिर आपसे अगर तो इस मैच में कोई मजीद डेवलपमेंट होती है तो वेल एंड गुड, आपसे तब मुलाकात होगी। अगर यहीं पे दैट्स इट द एंड हो गया काम, जो कि अभी लेटेस्ट वहां से यही रिपोर्ट आ रही है कि बारिश अभी जारी हो सारी है, कुछ नहीं रुक रही, तो फिर जाहिर है कि इस मैच में और इस आज के दिन पे मजीद कुछ बात क्या करनी, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात जो होगी वो फिर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच सेंचुरियन में जो आगाज होगा उसके फिर लंच ब्रेक में फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अगर इस मैच में कोई मजीद डेवलपमेंट नहीं होती तो। अभी आपसे इजाजत ही चाहते हैं, ख्याल रखिए अपना और फिर लाइक एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।